ये नहीं कि उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसे बेड पे बुलाना। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित, आज जबरदस्त सी वीडियो लेके गाइज। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि नहीं सिमरन पे प्रैंक करो, सिमरन पे प्रैंक करो, तो गाइज फाइनली बहुत दिनों के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि चलो मतलब मिलते हैं, तुम्हारे पैसे वापस लौटाने हैं। तो चलो कुछ भी बहाना हो गया, मिलना तो ऐसे ही, फिर मिल के देख लेते हैं क्या जबरदस्त वीडियो कर सकता हूँ मैं उनके ऊपर। सो वो आ रही है, पार्क के बाहर है, मेरी बात हो चुकी है उनसे, तो मैंने जल्दीबाजी में कैमरा ऑन किया है। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। और तुम कैमरा छिपा लो, वो कभी भी आ सकती है बाद में। A few moments later. बहुत जबरदस्त। और बताओ क्या कर रहे हो? और रोना है क्या? नहीं कर रहा है। ओ भाई डर लग रहा है। अगर कोरोना हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं। वैसे मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि है नहीं। और सब बता आप? और सब बढ़िया। और सबसे पहले तो आप ये बताओ कि मम्मा का तबीयत कैसे है आपकी? मतलब मम्मा बहुत अच्छी है एंड थैंक यू सो मच, तुमने उस दिन हेल्प किया। अगर फिर मतलब आप कितनी बार रिपीट करोगे? मैं मतलब सर फोल्ड लूं अपना। तुमने हेल्प किया तो किया ना, मेरे को उस दिन बहुत ज्यादा नीड था और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बोल दिया। आप वही चीज क्यों रिपीट करते हो जिससे आपका मूड ऑफ हो? ओके, वैसे मम्मा आपको बहुत याद कर रही थी और वो आपसे मिलना भी चाहती है। मम्मा मुझे याद कर रही थी आपकी? इट्स गुड न्यूज़ फॉर मी। आप मतलब कितने परेशान थे हम, और आपने एक अननोन आदमी होते हुए भी हमारे कितना हेल्प किया। हो गया, अब नहीं ना हूँ मैं अननोन। हाँ अब तो नहीं हूँ अननोन, पर इस वक्त तो थे ना। चलिए फिर से। और बताओ क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है, बस आप आ गए और सही हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप, बहुत मतलब स्माइल, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि आप स्माइल कैसे करते हो। एक्चुअली उस वक्त एक साथ बहुत सारा चीज़ हो गया था, पहले पापा के साथ, फिर मम्मा के साथ, फिर मेरा जॉब, तो फाइनेंशियल इशू, फैमिली इशू, सब कुछ एक साथ था और मेरे को ही हैंडल करना था क्योंकि घर में और कोई बड़ा है नहीं, पता है, तो मेरा छोटा भाई है। सिमरन लाइफ में अगर कोई भी इशू आती है ना, अगर सोचोगे ना, टेंशन लोगे ना, तो लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा इशू है यार, मतलब करते रहो जो सही लगे करते। जैसे तुमने एक अननोन, हम तो तुम्हारे लिए अननोन ही थे, बट स्टिल तुमने मेरी इतनी हेल्प की जो कि आज के ज़माने में लोग करते नहीं हैं। और जब ऐसा क्राइसिस होता है तब मतलब लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो वो उठाना नहीं चाहते, बट स्टिल उनको उठाना पड़ता है। और स्पेशली आज का जो सिचुएशन है वहाँ पे लड़कियों को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और उस वक्त जब वैसा क्राइसिस था तो लिटरली मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को मम्मा का बस किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट कराना था, और मेरे दिमाग में भी बहुत तरह की बातें आ रही थी। और जैसा तुम जानते हो, लड़कियां जब प्रॉब्लम में होती है तो लोग उनका हेल्प कम और फ़ायदा ज़्यादा उठाना चाहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में तो वो भी लगा दैट आई एम गोल्ड डिगर एंड ऑल दैट स्टफ। मेरे साथ एक दो ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि मतलब मुझे समझ नहीं आया था मैं किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे ना करूँ, और उसी समय आप ऐसी बातें बोल रहे थे ना। मैं मतलब लाइफ टाइम माफी मांगते रह जाऊंगा आपसे, सॉरी ना। अरे नहीं बाबा, अब वैसे सॉरी होने का कोई बात नहीं है। और पता है जब तक ठीक है आपके माइंड में कुछ भी आया था गलत, कुछ भी सही आया था, अब आप लाइफ में कभी भी निगेटिव मत सोचते, ठीक है? बी पॉजिटिव ऑलवेज। लाइफ में कभी मेरी ज़रूरत पड़े यार एक बार आप कॉल करना, और आपको किसी चीज़ की नीड हो आप एज अ फ्रेंड मुझे, मतलब फ्रेंड तो मानती हो ना? फ्रेंड एक सेकेंड, आप तो भाई हो ना मेरे। भाई वाला याद है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं भाई हूँ आपका, और एज अ ब्रदर मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कब कोई छोटी सी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कभी मेरी नीड हो, ठीक है, एक बार मुझे याद करना। बिल्कुल।
चलिए ये बताओ मोहित, तुम फ्री कब हो? क्योंकि मामा तुमसे मिलना चाहती हैं बहुत ज्यादा। मैं 24 आवर पे, मुझे क्या करना है? मतलब तुम्हारे जो भी काम है उनको छोड़ती नहीं। अच्छा, ऐसा कोई काम नहीं, सैटरडे संडे मैं मिल लूंगा बहुत जल्दी, आप टेंशन ना लो। वैसे अब तो हम हो ही चुके हैं भाई, मैं हमेशा आता जाता रहूंगा, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा मोहित एक बात बताओ, कल के डेट में अगर मेरे को कोई किडनैप कर लेता है या फिर कुछ लड़के कुछ बदतमीजी करते हैं तो तुम क्या करोगे? आपके माइंड में क्या चलता रहता है बाबा? अरे बाबा मैं बस पूछ रही हूँ ऐसे ही। जिंदा गाड़ दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। प्लीज आप मुझे ये सब बात मत बोलो ना, मुझे नफरत है यार। ठीक है, एक वर्ड मैंने बोला था, मुझसे गलती हो गई, मैं कसम से बता रहा हूँ तुझे, सॉरी। और मेरा वैसा बिहेवियर नहीं है, मैं जान से मार दूंगा। सोचो अगर तुम्हारी अम्मू वाली बहन है कि तुम्हें इतना गुस्सा आ सकता है तो। अरे बाबू बात तो सुन लो मेरी पहले। एक्चुअली कल रात से मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इतनी ज़्यादा। क्या? और तुमने न्यूज़ नहीं देखा हिमांशी रेप केस वाले? तुम सोच भी सकते हो उसके ऊपर क्या बीता होगा और उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीता होगा, उसके भाई बहन माँ बाप। और ये लड़के बिना कुछ सोचे समझे बेरहमी से मतलब कुछ भी करते हैं। और हमारा इंडिया इनके लिए कोई अभी तक स्ट्रिक्ट लॉ भी नहीं निकाला है यार, मतलब डिस्गस्टिंग। वो मतलब हैवानियत की उन्होंने मतलब हदें पार कर दी। मतलब एक के बाद एक ये सब हो रहा है। लोग सुधर रहे हो नहीं तो हमारा गवर्नमेंट पता ही नहीं क्या ही होगा यहाँ इंडिया का, मेरे को तो समझ नहीं आता। पता मतलब आपने ये टॉपिक ऑन कर ही दिया। देखो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। लाइक उसका पेन तुम और हम इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं इमेजिन कर सकते। अगर कुछ कर सकते हो तो लोगों की सोच बदल सकते हैं, ना कि ये सब होने के बाद हम लोग कैंडल मार्च और ये वो करके हम लोग कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैसे कुछ भी नहीं बदलने वाला। सिमरन पता है आप मतलब बहुत बड़ा बात बोल रहे हो, मतलब सही लिटरली मैंने सोचा अभी कि आप मेरी मुँह वाली बहन हो, तब मुझे ऐसा फील हुआ जब आपने बोला। तो यार उस लड़की ने भी किसी पर ट्रस्ट करा होगा ना? बिल्कुल। और उस लड़के ने बिल्कुल उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। और फिर मुझे सच्ची में बता रहा हूँ, अगर मुझे पता चल जाए ना कि वो कौन है बिना मैं कुछ भी सोचे समझे, अगर मुझे जेल भी जाना पड़े ना तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। मतलब मुझे ये सब सोच के इतना गुस्सा आता है ना कि कैसे कोई लोग इंडिया के ठीक करने से क्या होगा जब तक यहाँ की मेंटालिटी नहीं चेंज होगी। ऐसी चीजें तो हर रोज होते रहेंगे ना, तुम कितनों को पकड़ोगे, कितनों को ही क्या ही पता है। मैं इस चीज में बहुत बहुत बड़ी वीडियो बनाने वाला था। मैं सोच रहा था ना कि यार कम से कम सोच तो कोई चेंज कर सकता है ना अपना। और सिमरन सॉरी आप गुस्सा मत हो ना, मैं भी यहाँ पे भी आया था आपके ऊपर प्रैंक करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, लेकिन आपकी सोच देखो आपके ऊपर वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ओके, तुम्हारा प्रैंक वीडियो आज ही शुरू हो गया मतलब होने वाला था। सॉरी बट अरे हाँ ठीक है यार, आपने जो बात बोला ना प्लीज एक बार फिर से बोल दो कि उन लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसे समझ में आ जाए कि नहीं हर एक चीज़ अपने अब मौज मस्ती इंजॉयमेंट सब कुछ अपनी जगह पे कर लो यार, लेकिन इस चीज़ को तो सुधार लो प्लीज, क्योंकि इंडिया में मतलब कुछ महीने बीतता नहीं है। फिर अगर आप अपने आसपास ऐसा कुछ भी देखते हो तो प्लीज एक्शन लो, क्योंकि यहाँ के लोग अगर कुछ देखते भी हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं। मैं आप लोगों के लिए बुरा बन रहा हूँ बस एक वर्ड बोलने के लिए, यार एक सेकंड के लिए फील करना कि कोई अपना फैमिली मेम्बर हुआ तो कैसा फील होगा, एक सेकंड के लिए फील करना आज इन मतलब इन्होंने मुझसे एक एग्जाम्पल लिया, मुझे क्या लगा क्या गुस्सा आया मैं जानता हूँ, ठीक है? एक सेकंड के लिए फील करना कि तुम्हारा फैमिली मेम्बर से कोई है, और फिर फील करना कि नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या सोच रहे हो।
यार प्लीज आप अपने आसपास में ऐसा कुछ भी देखो तो इग्नोर मत करो, प्लीज आवाज उठाओ, क्योंकि हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस, रेप केसेस, ऐसे चीजें बहुत हो रही हैं और आवाज उठाने वाले बहुत कम है। तो प्लीज अगर आप अपने आसपास ऐसा कुछ भी नोटिस करो तो प्लीज आवाज उठाओ। और गाइस कभी लड़कियों का गलत फायदा मत उठाना, अगर वो किसी चीज की प्रॉब्लम में है तो अगर हो रियल तो हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो, ठीक है। ये नहीं कि उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसे बेड पे बुलाना जब चूतियों का काम होता है। यार प्लीज सिमरन, अगर मेरी कोई बातें बुरी लगे दिल से सॉरी, मैं आपको प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है बाबा, आई नो यू नाउ। उस दिन तक के लिए तो मेरे लिए स्ट्रेंज थे, और मैं बस ये चाहूँगी कि अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो प्लीज़ इस सोसाइटी के लिए कुछ करो, और यहाँ की जो औरतें हैं उनके लिए कुछ करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है यहाँ लोग औरतों को क्या समझते और कैसे ट्रीट करते हैं। भले ही लोग दिखा देते ये वो ये, बट स्टिल उनकी मेंटालिटी वही है। तो मोहित, तुम लड़कों की सोसाइटी में रहते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम लड़की को सोसाइटी को बताओ कि चीज़ें क्या हैं और क्या नहीं हैं, क्योंकि लड़कियाँ सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होती हैं, उन्हें बताओ। सिमरन, कि जब वो आवाज़ें खाने पे आई तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसे जहाँ तक हो पाएगा मैं ये करूँगा। और बाकी आप ये देख रहे हो ना, ये वीडियो भी बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइज, अगर रियल कुछ हो, कुछ कर सकते हो तो प्लीज़, अगर बस यही रिक्वेस्ट है कि नहीं। बहुत लोग डीएम करते हैं, बहुत लोग आपको, अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं आपको, भी कर सकते हो तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो। आपको लेके ही बहुत लोग ने कमेंट किया था, तो गाइज यार किसी की रियल हेल्प कर सकते हो तो इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाकर, मेरे साथ कोई है यार। गाइज आप लोग बोलते हो ना हेल्प हेल्प हेल्प, मैं आपसे एक हेल्प मांगता हूँ प्लीज़ यार, अगर कुछ कर सकते हो किसी के लिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। लड़कियाँ को मतलब अपना प्रॉपर्टी मत समझ लो कि बस यूज़ करना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इज्जत करो। हाँ कुछ लड़कियाँ होती हैं गलत हो जाती हैं, उनके पास भी मतलब कोई ना कोई उनका कारण रहता है, रीज़न होता है, पहले किसी को समझो फिर सबसे यूज़ ही करने के लिए सबको मत लाइफ में, बस इतना ही कहना चाहूँगा।